अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ बिल्कुल ठीक होंगे। सो आज मैं शेयर करने वाली हूँ कटहल की रेसिपी, मसालेदार कटहल। ये बहुत ही यमी बनता है, प्लीज़ मुझे स्टेप बाय स्टेप फॉलो करिएगा। सो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले कटहल हमने यहाँ लिया है और इसको पतला पतला काट लिया है। देखिए, इसको हम ऐसे पतला पतला काटेंगे और सबसे पहले एक कढ़ाई में तेल डालेंगे और जैसे ही तेल हमारा गर्म हो जाएगा हम इस कटहल को उसमें अच्छे से देर तक फ्राई करेंगे, जब तक हमारा कटहल गोल्डन ना हो जाए। सो इसको हमें चला चला के फ्राई करना है अच्छे से। कटहल को जब हम तल के बनाते हैं तो उसका फ्लेवर बहुत ही अच्छा आता है। सो एक बार कटहल को तलें ज़रूर। बहुत से लोग बॉयल करके भी बनाते हैं पर मैं इसको फ्राई करके बनाती हूँ। सो इसको अच्छे से हम तल लेंगे। सो हमारा कटहल तल गया है। अब हम उसी कढ़ाई में थोड़ा तेल और डालेंगे और तेल में डालेंगे मेथी दाना। मेथी दाना जैसे ही हमारा फ्राई हो जाएगा उसके बाद हम डालेंगे एक बड़ी प्याज का पेस्ट और इसको अच्छे से हम भूनेंगे। ये कटहल थोड़ा लटपटा सा बनता है, मोर टूवर्ड्स द ड्राई साइड। और अभी जब ये भुन जाएगा तब हम इसमें डालेंगे एक चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट और इसको भी हम अच्छे से भुनेंगे। इसके बाद हम डालेंगे इसमें कुछ ड्राई स्पाइसेस, जिसमें कि एक चम्मच हल्दी, एक चम्मच लाल मिर्च या अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग, फिर एक चम्मच पिसा हुआ धनिया एंड सॉल्ट अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग। और फिर इस मसाले को हम अच्छे से भूनेंगे जब तक कि मसाला तेल ना छोड़ दे। सो मसाला हमारा अच्छे से भून चुका है, अब हम इसमें अपना फ्राई किया हुआ कटहल डाल देंगे एंड देन वी आर गोइंग टू मिक्स इट नाइसली। अब अच्छे से मिक्स कर लीजिए कटहल को, इसको रोटी के साथ खाइए, पराठे के साथ खाइए, पूड़ी के साथ खाइए, आपको बहुत मज़ा आएगा। अब इसमें डालेंगे हम एक ग्लास या पौन ग्लास पानी और फिर एक बार अच्छे से मिक्स करके इसे हम धीमी आंच पे पकाएंगे करीब 7 से 8 मिनट तक। सो 7 से 8 मिनट हो चुके हैं, लेट्स चेक इट। सो ऑलमोस्ट हमारा कटहल कुक हो चुका है, बस इसको 2-3 मिनट के लिए हम और पकाएंगे एंड देन वी आर डन विद इट। एक बार बीच में इसको चलाएं जरूर। सो लेट्स प्लेट इट आउट नाउ। सो ये देखिए हमारा कटहल बनके बिल्कुल रेडी है। ये बहुत ही मजे का बनता है, आप एक बार जरूर ट्राई करिएगा। मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक करिएगा और चैनल को मेरे सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर एवरीवन, अल्लाह हाफिज़।